करें अगली खबर की, तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही गरियाबंद जिले में जिला प्रशासन चुनावी प्रक्रिया में जुट गया है। आपको बता दें कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही गरियाबंद के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे बैनर पोस्टर को नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा हटा लिया गया है। इसके तहत ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु विभिन्न चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल को महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत राजिम और बिंद्रान नवगढ़ में चुनाव संपन्न होगा। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते ही राज्य में जो है और जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और इसके संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां जिले स्तर पर कर ली गई हैं और जो हमको अभी संपत्ति विरूपण का है या जो भी मैंडेटरी ऑर्डर्स करने होते हैं वो हम सब जारी कर रहे हैं और सभी अमले को भी निर्देशित कर दिया गया है कि आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशा पालन करें, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए ऑलरेडी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी है, मतलब फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, स्टैटिक मतलब FSTs हैं और ये सब चीजें हमने ड्यूटी लगा दी हैं। सबके प्रशिक्षण भी हो गए हैं और सभी से एक्टिव भी हो गए हैं और जो CVG लैब है जिसमें लोग शिकायत कर सकते हैं वो CVG लैब भी आज से एक्टिव हो गया है।